On the front number plate. मतलब और यहाँ पे मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा महंगी मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हैं, पर जो अट्रैक्शन भाई इसे मिला, जो अटेंशन इसे मिल रहा है, और भाई देखो रिएक्शंस की कमी नहीं होती, लोग इकट्ठे होके किसी सेलिब्रिटी की तरह अपनी मोटरसाइकिल को अटेंशन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं वो है भाई रॉयल एनफील्ड 500, जो है यूके में कोई इंडियंस, अब पता नहीं भाई वो ब्लॉगिंग करने गए हैं या राइड कर, जैसे करते हैं कंट्री वाइज राइड करते हैं बंदे, वैसे गए हैं या वहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट कराई है वो बाइक इंडिया से। तो भाई यूके में जो है रॉयल एनफील्ड का क्रेज बड़ा है, मतलब भाई जो अभी रिएक्शंस में देखने को मिला है, तो यूके में इतनी सारी बाइकें वहाँ खड़ी हैं और एक से महंगी बाइकें, अच्छी से अच्छी बाइकें खड़ी हैं, लेकिन भाई वहाँ पे जो यूके के बंदे हैं वो जो है रॉयल एनफील्ड को बहुत पसंद कर रहे हैं और सारे भाई उसी को देख रहे हैं, रॉयल एनफील्ड को। तो वीडियो आई होप सो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो मैंने भी भाई देखा नहीं है अभी, तो क्या सीन है क्या नहीं है ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो मित्रों, सबसे पहले नमस्ते फ्रॉम लंदन, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये चैनल है एक इंडियन बंदे के बारे में जो कि एक इंडियन बुलेट को इम्पोर्ट करके लंदन ले आया, और नॉर्मली लंदन में लाइफ कैसी है, लंदन के आसपास क्या जगह है, और एक इंडियन बाइकर कैसे यूके को एक्सप्लोर करता है, उसी बारे में ये चैनल होने वाला है। और इंडियन बंदे को अगर इंडियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए अगर आप इस चैनल पे आ ही गए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए और आगे वीडियो एंजॉय करिए। तो यार, ये जो रिएक्शन वीडियो है ये मेरी पिछली वीडियो का एक एक्सटेंशन ही है, और जब मैं पिछली बार राइकर्स कैफे गया तो मैंने देखा कि कैसे अपनी इस बुलेट को रुक रुक के लोग रिएक्शंस देते हैं, मतलब जहाँ पे इससे 10 गुनी महंगी बाइक्स भी खड़ी होती हैं वहाँ भी लोग इसे अलग से एक रिएक्शन देते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना ये चीज़ अपनी YouTube फैमिली से शेयर की जाए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और साथ में चलते हैं राइकर्स कैफे। But this is a 2017 model. Oh, 2017. Yeah, yeah. No, not the one from 1932. Yeah. Yeah, but it looks like that, right? Yeah. Listen. Oh. I'm just thinking. You've been on one, yeah. Sorry? You've been on one or no? In there's the new ones. You can ride them. This is from Himalayan. Yeah, nice. So it's a route from Delhi till like Spiti Valley. Oh, and all. Nice, amazing. Yeah. So I used to ride the same motorcycle when I was back in India. Yeah. Oh, and wow. I just imported it by when yeah, I. Yeah, amazing. So you see here. Have you got the front number plate? Oh, yeah. You got the front number plate. Oh, it's really nice you bought it here as well. It took me 6-7 months yeah, to get it registered. Say. But, yeah. Oh, great! मतलब और यहाँ पे मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा महंगी मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हैं, पर जो अट्रैक्शन भाई इसे मिला है, जो अटेंशन इसे मिल रहा है, वो शायद किसी मोटरसाइकिल को मिल रहा है। और अभी तो मैंने मतलब वीडियो ऑन भी नहीं रखी थी मैक्सिमम टाइम, बट जो भी थोड़ा बहुत मैं अभी कैप्चर कर पा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। और अगेन दिस इज रॉयल एनफील्ड स्टॉल। देखो भाई ने कम से कम 5-10 फोटोज अपने मोटर बाइक के लिए, एंड काफ़ी लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल को देख रहे हैं, आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री जानने के बारे में इंटरेस्टेड है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोग कि ये जो मैप है टैंक पे ये किस चीज़ का है, कहाँ का है, क्योंकि
मतलब ये जो दिल्ली लिखा है ना, ये काफ़ी एंड में है तो इजीली दिखता नहीं है, तो वो चीज़ है। और बाद बाकी यहाँ पे अपना इंस्टा 360 लगाया हुआ है हाइपर लैब्स के लिए। और यार जब आपकी मोटरसाइकिल को इतना सही रिएक्शन मिलता है इतनी भीड़ में भी, तब लगता है कि आपका उस मोटरसाइकिल पे लगाया हुआ पाई पाई जो है वो वसूल हो जाता है। And guys, I forgot to tell you something, and that is that as soon as I arrived here, so the guys at Hatfield Motorcycle, they gave me this. So this is a bag, and this has a t-shirt inside it. I'll show you how the t-shirt looks like. This is the t-shirt that they have given me. So this has a military kind of pocket, and it is a crew kind of neck. एक फायदा है जो यहाँ आने से हुआ, और इसके अलावा भी कई फ़ायदे हैं। कुछ अच्छे कनेक्शंस बने, कई लोगों से बातें हुई, और एक अच्छी जगह पता चली जहाँ पे कभी भी राइड के लिए आया जा सकता है। अब यहाँ Oh, no. Wow, great, yeah. great. Yeah. And we stayed, Pangong Lake. Mm-hmm. Yeah, very enjoyed. But enjoy the rest of your day. Yeah, thank you so much. Thank you so much. और भाई देखो, reactions की कमी नहीं होती। लोग इकट्ठे होके किसी celebrity की तरह अपनी motorcycle को attention देते हैं। और यहाँ पे यार बहुत ही अनोखी motorcycle है, जैसे कि ये Honda की। अब मैं शायद ये होंडा की ज्यून है या फिर उसी रेंज की कोई और है, बट मैं ये मोटरसाइकिल अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ यार। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मिनिमलिस्ट येट सो ब्यूटीफुल। और ऐसे यहाँ पे मतलब रेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और पीछे से ऐसा लग रहा है कि बूसा गेट आया है। मतलब If a Busa fan got on a cruiser motorcycle, this would be what he would be riding. और इधर है हार्ली डेविडसन, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक एनफील्ड और थी, बट कोई नहीं। सो वाइल आई वॉज अबाउट टू गेट स्टार्टेड फॉर माई होम, मैं मिला यहाँ पे मार्क से, जिनकी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 है। मतलब इंडिया में रेडिच एडिशन क्लासिक 350 के लिए था, बट ही हैव अ क्लासिक 500 रेडिच एडिशन, एंड कैन यू स्टार्ट इट फॉर अस। एंड ही हैड गॉट अ शॉर्ट पंजाब काइंड ऑफ लाइसेंस साइलेंसर, तो इनका जो वो थंप है वो काफ़ी बरकरार है। तो सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस सो फार राइडिंग दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल? इट्स बीन गुड. That's been good. I've had it, I bought it, it was only a few months old when I bought it. Mm-hmm. So it had about 300 miles on it. Oh, wow. It's now got, seven and a half thousand miles. Wow, that's great. And it's been pretty good, pretty mm-hmm. reliable. So do you use it for commuting or yeah. just for the weekend rides? I use it all the time. Oh, wow. It's my daily rider. You know, I feel the same, like whenever I'm going to my office, and because around my office I could not find safer parking, so I just thought like if it was possible that I could ride this on an everyday basis, that would be fantastic. Yeah. It will save you so much of money, and also while going back or while going to office, you will always feel, you know, the pleasure of riding. Yeah. And if you are tired, if you had a bad day, you had a quarrel with your boss, you go back and there is a beautiful motorcycle waiting for you. Well, I've got three other Royal Enfields as well. Oh, wow, 350 as well. I've got an Indian 350 Bullet. Uh-huh. From 2002. Wow. And I have a 1936 Model G. Wow. And a 1938 S2. Wow. Wow, so that's great. That's great. Two pre-war bikes. Wow. Which is fun. Yeah. So I've kind of got all of the mm-hmm. I've got all the generations of Royal Enfield. Mm-hmm. You know, I've got the pre-war bikes. Mm-hmm. I've got the classic 1950s mm-hmm. design Royal mm-hmm. Enfield Bullet, mm-hmm. and I've got the modern one.
So, you know, we are lucky today that we met you. And we met someone who has so many Royal Enfields. Yeah. And I would love to see them if you have, you know, ever some time and, you know, where we yeah. could meet and then yeah, see those motorcycles. We can meet up and you yeah. can see them. Yeah. Thank you so much. Thank yeah. you so much for coming on our channel. You're welcome. Thank you so much. तो यार कैसा लगा आपको ये व्लॉग हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि हम और कौन सी जगह कवर करें और आप इस चैनल पे और कैसा कंटेंट देखना चाहेंगे। जब आप हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये तो प्राउड मोमेंट होता है सच में यार। इस तरह के जब फोरन में अगर आपकी बाइक को इतनी पजीराए मिले सच में बहुत अच्छा लगता है। और बाइक थी भी बहुत ज्यादा प्यारी, कलर जो है वो बहुत ज्यादा प्यारा था। और ये क्लासिक उसका वर्जन है, ठीक है। वो जो हमने लास्ट टाइम देखी थी वो आर्मी उसका हाँ, था वो थी 350 रॉयल। और ये तो वैसे भी सिंगल सीटर और ये चेंज मेरा हाल। हाँ, ये सिंगल सीटर है। वो जो अंकल के पास थी रेड, वो भी बड़ी प्यारी। हाँ, वो भी 500। और वो तो अंकल तो सही लवर थे, उनके पास और कितनी रो 1936। नॉलेज भी उनके पास अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी और भी बाइक्स खड़ी थी जो डिफरेंट लग रही थी, बट इसका लेवल जो है वो कुछ। ये ना इसकी लुक ऐसी मुझे लग रही थी जैसे वो आपने देखो वॉर से रिलेटेड जो मूवीज आती थी पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट, उस तरह की ये बाइक है। हाँ जी, कैसा देखना चाहते हो? एनी काइंड, किसी भी तरह का ना, किसी भी तरह का। लेकिन ये कि एक अगर आप देखें कि जो इंडियन कम्युनिटी है तो वो अगर जैसे कि बुलेट यूके में चल रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको एक अच्छा लगेगा, एक अच्छी फीलिंग्स आएंगी देखकर। तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देश में जब आप देखते हो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वाइब्स आती हैं आपको अच्छी है यार। हाँ, तो आई थिंक वैसा ही फील हो रहा होगा लोगों को वीडियो देख कर। और बाकी लोगों का रिएक्शन बढ़िया था, हालांकि उधर बहुत महंगी महंगी बाइक्स, जैसे उन्होंने खुद बताया कि 10 times कॉस्टली बाइक्स भी जो है वो उधर खड़ी थी। मतलब जो आप मूवीज में बाइक देखते हैं वो सारी बाइक वो सम टाइम है। भाई साहब इंडियन ब्रांड होगा तो प्राउड फील नहीं होगा कि भाई साहब वहां पे देखो ना ये चाचे ने भी रखी तो पागलों की तरह रॉयल एनफील्ड के पीछे दबाना ही। चाचे इसने रॉयल एनफील्ड के और भी मॉडल्स इसने रखे हुए, अंदाजा लगाओ भाई साहब। और भाई वहां पर जब उसने अपनी रॉयल एनफील्ड खड़ी की भाई अंग्रेज और बाइकों को कम देख रहे हैं, इसकी बाइक को आगे पागलों की तरह देख रहे हैं भाई साहब ये बाइक है कौन सी। अगले फोटोग्राफ्स उसके साथ ले रहे थे भाई साहब, लोग तो पागल हो गए यार। इंडिया को ऑफिशियली रॉयल एनफील्ड को उधर लॉन्च कर देना चाहिए ताकि भाई साहब यूके का लोग भी उसको ले और भाई एंजॉय करे, क्योंकि देखो जब उसने वहां पर खड़ी की और भाई वो उस बंदे ने खुद बोला इंडिया ने कि यहाँ पर मेरे इस बाइक से 10-10 गुना महंगी बाइक है, उसको कोई नहीं देख रहा है, इसको आके गोरे देख रहे हैं और भाई इसके साथ तस्वीरें ले। भाई हमें भी मोटरसाइकिल्स, हमें मतलब मुझे भी मोटरसाइकिल्स का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जो है ना भाई यहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से ये शौक जो है पूरा नहीं हो पाता। एक ही मोटरसाइकिल मैंने रखी हुई है उसी पर मैं जो है खुश हूँ। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ जिंदगी में जो है ना कभी मोटरसाइकिल मुझे जो है ना वो अच्छी मोटरसाइकिल रखने का मौका मिले ना तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है ना वो रॉयल इनफील्ड होगी, वो भी जो इनकी हिमालयन रेंज है ना उसमें, क्योंकि वैसे क्लासिक भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन मुझे जो है ना वो एक डिफरेंट लुक लगती है उसकी हिमालयन की ना, तो उसे मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कभी पाकिस्तान में भाई रॉयल इनफील्ड करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा, यहाँ से डायरेक्ट तो इम्पोर्ट होती नहीं है और वाया दुबई आएगी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसकी होगी, तो भाई बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी और कंट्री में जाके बंदा ले लू ले तो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है जब आपकी कोई भी चीज को अटेंशन मिलती है लोगों के बीच में, क्योंकि उसमें जितनी भी हम लोगों ने बाइक्स देखी काफी ज्यादा बीच में से डिफरेंट भी थी, मतलब स्टाइल के लिहाज से भी कुछ। तो मुझे ना जैसे वो रेड वाली देखी थी और एक लास्ट में ब्लैक वाली देखी थी, वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं ना बाइक्स, जो कि हमें बहुत ही एक तरह से लगता है कि कस्टमाइज्ड और इमेजिनरी टाइप वो की हमारे लिए कस्टमाइज्ड ही है। महंगी से महंगी बाइक खड़ी हुई थी यार, एक बंदे ने तो कुछ 10-15 जो मर्जी है बोलो, जहाँ पर रॉयल एनफील्ड खड़ी होगी ना आप फॉरेन कंट्री में लोग आकर देखेंगे यार ये इंडिया का बाइक ही ऐसी है यार, ये इंडिया का लोगो इंडिया से ही इसका साउंड भाई ने इंडिया से ही इंपोर्ट कराई है भाई, इसका साउंड
इसकी मजबूती ये यूके में भी मिलती है लेकिन ये इम्पोर्ट करके लेकर गए अपना इंडिया का बना हुआ लेकिन मजा आता है कि नहीं। और जो इसके साउंड सुनता होगा कहता होगा यार ये भाई जो बाइक लवर है असल ना यार जिसने इंडिया में भी बाइक रखी हुई है ना ये वाली वो ये साउंड के पीछे और इसका बिल्ड क्वालिटी के पीछे इंडियन कंपनी है उसका ना ही कंपनी का रॉयल एनफील्ड है जेंट होंडा दी मोटरसाइकिल आंदिया ने ना इंडियन रॉयल एनफील्ड दी मोटरसाइकिल आंदिया ने रॉयल एनफील्ड एक अम्मी कह रही है कि कंपनी में ना रॉयल एनफील्ड में बोल बोल थक गई हूं वो एक कंपनी तो है जो बाइक्स बनाता है टाटा में नहीं रॉयल एनफील्ड एक कंपनी है जो कि बहुत मतलब पहले से बड़ा बंदा होगा उसकी ये होगी हाँ मतलब बोलो अम्मी ये आज से नहीं है ये बनाते हुए बहुत टाइम हो गया इनको पता नहीं अब नहीं बड़ी देर से मशहूर है इंडिया में तो बड़ी मशहूर है आप बाहर की कंट्रीज में भी लोग इसको जो है ना बहुत ज्यादा पसंद करने लगे वो अम्मी हमारे कंट्री में आने का यही तरीका है कि अगर यहाँ से दुबई भेजी जाए दुबई से फिर यहाँ पे लाई जाए सीधा एक तरीका नहीं है ना क्योंकि हमारी ट्रेड ही उनके साथ बंद है। तो भाई ये थी वीडियो और कैसी लगी वीडियो वीडियो तो भाई अच्छी लगी होगी आप लोगों को क्योंकि भाई रॉयल इनफील्ड की बात जो है वो अलग है और जिसके पास रॉयल इनफील्ड है भाई उसका वही खासियत। और इससे अच्छी तो मुझे भाई जो पुराने मॉडल आते थे ना जो उल्टे गियर वाली आती थी वो सबसे मस्त लगती है लेकिन भाई वो बंदी हो गई है वो मिलती नहीं है और जो पुरानी अभी कहीं से इधर उधर मिलती भी है तो भाई उसका रेट जो है नई के बराबर है लोग मॉडिफाई करके उसको बहुत महंगी बेचते हैं। तो मेरे पास भी भाई मैंने कोविड के पहले लिया था ये लेकिन मेरे पास क्लासिक नहीं है स्टैंडर्ड है 350। तो भाई रॉयल इनफील्ड चलाने का जो मज़ा है वो अलग है भाई बाकी उसकी वॉइस अगर थोड़ा सा अगर उसमें जो है एलॉय वगैरह चेंज करा लो और साइलेंसर जो है भाई जो पंजाब में ढोलकी वाला चलता है ना वो वाला साइलेंसर लगाओ मज़ा आता है चलाने में। तो मैंने तो भाई बदलवाया था एलॉय और साइलेंसर दोनों चेंज कराया था। तो आप लोगों के पास भाई किसके पास रॉयल इनफील्ड है कमेंट करके ज़रूर बताना। और रॉयल भाई यूके में देख लो इतनी इतनी महंगी बाइकें पड़ी हैं इवन कि भाई बोल रहा था भाई 10-10 टाइम जो प्राइस में इससे ज़्यादा हैं उन बाइकों को भी कोई इतना मतलब नहीं वहाँ पे देख रहा था जितना भाई रॉयल इनफील्ड के 500 क्लासिक को देख रहा था। तो भाई इसके क्लासिक की एक तो मजबूती इसमें बहुत क्वालिटी मतलब जैसे कहते हैं बहुत गजब की मजबूती है टोटल लोहा है भाई इसमें कोई फाइबर का यूज़ ही नहीं है। और दूसरा ये है भाई कि इसका जो लुक है रॉयल इनफील्ड का वो हर बाइकों से हट के है और भाई वजन भी इतनी है बाइक की आप लोगों को पता है इसका वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन भाई एक बार जब ये चलती है और इसको खासकर भाई लॉन्ग रूट पे चलाने का बहुत मज़ा आता है और लोकल में तो इतना आता है मज़ा लोकल में भी लेकिन इतना नहीं आता जितना कि खाली रूट पे मज़ा आता है लॉन्ग मतलब जैसे हाईवे वगैरह पे और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो भाई चलाने का कुछ और ही मज़ा आता है इसको। तो बाकी आप लोगों को भाई वीडियो अच्छी लगी होगी और इंडियन ब्रांड है भाई रॉयल इनफील्ड और यूके वगैरह के इसके फैंस हैं तो आई होप सो मिलती होगी यूके में भी लेकिन इंडियन मॉडल नहीं मिलता होगा वहाँ पे वहाँ के हिसाब से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग जो भी होती होगी। तो आप लोगों को भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि भाई ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि इंडिया का कोई प्रोडक्ट और मतलब वो अंग्रेज़ों के वहाँ पे पॉपुलर है जो कभी अंग्रेज इंडिया में रहते थे। तो भाई अगर पसंद होगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई ऐसे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद।